कानून के तहत पहला केस दर्ज। भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली के कमला मार्केट थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। धारा 285 के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। 3 नए आपराधिक कानून आज से लागू होंगे। देश में अब आईपीसी की जगह बीएनसी लागू होगा। तो भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली के कमला मार्केट थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। भारतीय न्याय संहिता के तहत यह एफआईआर दर्ज की गई है और नए आपराधिक कानून के तहत पहला मामला दिल्ली में दर्ज हुआ है। चूंकि आज से ये कानून बदल गए हैं, आपराधिक कानून, 3 आपराधिक कानून जिनमें ये बदलाव किया गया है। आईपीसी की धाराओं को भी बदल दिया गया है। 392 जो लूट की धारा थी वो बदल दी गई है, 309 अब ये होगी। इसके अलावा छेड़खानी, अश्लीलता का आरोप लगना, नाबालिग का अपहरण, जान से मारने की धमकी देने की जो आईपीसी की धाराएं थी उनमें बदलाव हुआ है। तो एफआईआर से लेकर कोर्ट के फैसले तक सुनवाई ऑनलाइन। शाहजहांपुर पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। थाना तिलहर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की है। तिलक क्षेत्र में फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले आरोपी दीपेंद्र सुखेल, साहिल और ऋतिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और अगली खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान एक शातिर को गिरफ्तार कर लिया। बदमाश के पैर में गोली लगी, इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश ने 2 दिन पहले पति पत्नी को गोली मारकर घायल कर दिया था। तभी से शातिर की तलाश की जा रही थी। आपको बता दें कि शातिर पर लूट और डकैती के 8 मुकदमे दर्ज हैं। ये मानदाता क्षेत्र का ही रहने वाला है। इस पे कुल 8 मुकदमे पंजीकृत है जो कि लूट और डकैती के हैं। कई मुकदमे प्रतापगढ़ जनपद के हैं, प्रयागराज से भी एक वांछित है ये लूट में, और इसके मुकदमे नागपुर में भी हैं। ये अंतर्राज्यीय बदमाश था और इसमें से बाकी जो शेष अभियुक्त वांछित हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उन पर कार्रवाई की जाएगी। बागपत में एसओजी टीम ने शहर कोतवाली क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद 15,000 के नामी गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर रईसू पर गोवध अधिनियम समेत आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को लंबे वक्त से शातिर की तलाश थी। पकड़ा गया गैंगस्टर मेरठ के शिवाल खास गांव का रहने वाला है। दो जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल अपाची कब्जा पुलिस ली गई। इस संपूर्ण घटना की एफआईआर दर्ज कर विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। अभियुक्त स्वेप पर जनपद पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा 15,000 रुपए का इनाम घोषित है। इस पर कुल 5 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें एक मुकदमा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत है। बदमाश स्वेप सात्र किस्म का अपराधी है। तो ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। शाहजहांपुर, प्रतापगढ़ और बागपत की, शाहजहांपुर में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जबकि प्रतापगढ़ पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान एक शातिर को गिरफ्तार किया। बदमाश के पैर में गोली लगी, तो वहीं बागपत में पुलिस ने 15,000 के इनामी को पकड़ा। और अगली खबर जालौन से, जहां पर लड़की भगाकर ले जाने के विवाद में 2 पक्ष आमने सामने आ गए। मारपीट और पथराव की वजह से आसपास हड़कंप मच गया। रविवार देर शाम दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और इसके बाद पथराव हुआ। लाठी डंडे चले। पथराव की वजह से आधा दर्जन लोगों को गंभीर चोटें आई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पथराव करने वाले 9 लोगों को गिरफ्तार किया। थाना कुठौन के ग्राम जमलापुर में 2 पक्षों के मध्य मारपीट की घटना कारित की गई थी। इसके उपरांत थाना कुठौन पुलिस द्वारा टीमें बनाकर इसमें 9 लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं। गिरफ्तारी के उपरांत इस पर जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी और आगे की सूचना आपके साथ साझा की जाएगी। ठीक।
शाहजहांपुर पुलिस ने नकली सोने के सिक्के को असली बताकर ठगी करने वाले शातिर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शातिर के पास से 19,000 कैश बरामद किया है। शातिर गिरोह कई जिलों में ज्वेलरी की दुकानों से ठगी कर चुके हैं। पुलिस इस मामले में 4 आरोपियों को पहले ही जेल भेज चुकी है। फिलहाल पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला थाना पुवाया के अनावा गांव का है, जहां पर 13 जून को पीलीभीत के रहने वाले विवेक अग्रवाल से 30 लाख के बदले में नकली सोने के सिक्के थमा दिए थे। हाथरस में तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने मृत युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हादसे के बाद कैंटर का ड्राइवर गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। आगरा अलीगढ़ हाईवे पर यह हादसा हुआ है। खबर मथुरा से, जहां पर पानी की टंकी हादसे में 2 महिलाओं की जान चली गई, जबकि 13 लोग घायल हुए। कई लोग टंकी की चपेट में आए और धराशायी हो गए। साथ ही मलबा भी कई घरों में जा घुसा। कई वाहनों के भी क्षतिग्रस्त होने की खबर है। इस हादसे के बाद SSP और DM ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, साथ ही अधिकारियों से जाकर अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल जाना। विधायक ने बताया कि मामले में केस दर्ज कराया जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट हादसे की जांच करेंगे। कॉलोनी वासियों ने टंकी का विरोध भी किया। लोगों के विरोध के बाद भी पार्षद और जल निगम ने कॉलोनी के बीच टंकी बनवाई। थाना कोतवाली के आवास विकास कॉलोनी कृष्णा विहार की घटना है। इसमें एक पानी की टंकी जो है बारिश के समय में गिर गई। इसमें कुछ लोग दब गए। तत्काल पुलिस की टीम, रेस्क्यू की टीम आई। NDRF SDRF की टीम को बुलाया गया। SSP DM सभी ने मौके का अवलोकन किया और जो भी लोग घायल थे उनको हॉस्पिटल भेजा गया। अभी तक की जानकारी में जो 2 लोग थे, इसमें 2 महिलाएं थी, वो मृत पाई गई हैं। इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई है इस संबंध में, जो भी जिसके द्वारा भी तहरीर दी जा रही है, उसमें हम लोग इसमें मुकदमा जो है, जो भी ठेकेदार जिसके द्वारा ये बनाया गया उस पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। तो टंकी हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई है। हादसे में 13 लोग घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। NEET UG पेपर लीक को लेकर आज फिर संसद में सियासी संग्राम छिड़ सकता है। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दूसरे हफ्ते में NDA सरकार और विपक्ष के बीच बहस और तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है। आज से दोनों सदनों की बैठक फिर से शुरू होने वाली है। इसमें नीट पेपर लीक विवाद से लेकर अग्निपथ योजना और महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि शुक्रवार को नीट पेपर लीक पर चर्चा कराने की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई थी। वहीं विपक्ष नीट पेपर लीक मामले में लगातार सरकार को घेर रहा है। जहां एक तरफ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर सवाल उठाए, तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि कम से कम नीट का एग्जाम तो नीट एंड क्लीन होने देते। हमारी मांग रखेंगे, ये NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या करती है? सभी निजी कंपनियों द्वारा टेस्ट कराती है। इसमें ही घोटाला, घोटाले कहां से निकले हैं? बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहीं से तो निकले हैं। ये तो BJP शासित देश हैं। तो इस पर चर्चा होगी, जांच की बात करते हैं, उच्च स्तरीय समिति का गठन करते हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं हम शिक्षा मंत्री का, उनकी लापरवाही का। अभी जो नीट का एग्जाम हुआ है, कम से कम नीट का एग्जाम तो नीट एंड क्लीन हो, क्योंकि वो भविष्य के हमारे डॉक्टर बनने जा रहे हैं। भविष्य में हमारा स्वास्थ्य कैसे बेहतर रहेगा, उसकी जिम्मेदारी उनके कंधे पर होगी। ये BJP के लोग अभी से नहीं, इनका पुराना इतिहास उठा करके देख लो। ये जितने भी एग्जाम होते हैं, सबसे ज्यादा खिलवाड़ ये करते हैं, खिलवाड़ खुद करते हैं, उंगली दूसरों पे उठाते हैं। जबकि BJP ने इस मामले में सरकार की तरफ से सख्त एक्शन लेने का दावा किया है। नीट पे कहां चुप है? हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं ना, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं ना, रोज हो रहे हैं ना, देश भर से हो रहे हैं ना, सारे षड्यंत्रकर्ता का अंदर का ताना बाना
खुल रहा है ना, और खुलेगा। जब राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में पहली बार कहा किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, तो सरकार की मंशा वही होती है ना। कांग्रेस में क्या होता है, सिर्फ बोला जाता है, मोदी जी की सरकार में किया जाता है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।